जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के केस की अपडेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी डे सिक्स की अपडेट्स क्या रही दोस्तों। डे सिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव आर्गूमेंट्स हुए हैं, बहस हुई है, और मेनली इसमें जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सचेंज हुए हैं। और जो जो डिस्कशन का जो कोर था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक तरफ ये मानना है कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है, और इस ये अफेक्ट नहीं करता है इसके फेवर में एसजी ने, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आर्गूमेंट्स दिए। सीजीआई साहब ने बोला कि जस्टिस ऑफ इंडिया का मानना है कि पॉवर्टी जो है, जो गरीबी है, ये एक टेम्प्ररी एलिमेंट होता है और ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं चल सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि कोई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई है जो ये प्रूव कर सके कि जो नॉन बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी है, यानी कि जो ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, उसकी फैमिलीज ने जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी की वजह से सफर किया हो। और उन्होंने ये बोला कि जो जो बैकवर्डनेस है ये सेंचुरीज टू सेंचुरीज चलती है, सालों साल चलती है, जनरेशन टू जनरेशन चलती है, लेकिन जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये टेम्पररी होती है। एसजी ने इसके फेवर में काफ़ी आर्गूमेंट्स किए, और पहले तो उन्होंने बताया कि कौन सी ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी हाइपोथेटिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो हाइपोथेटिकली अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये बोला कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक राइट्स को ऐड करने के लिए इसको जोड़ा, इसको इंसर्ट किया गया था, और ये डीपीएसपी इसको सपोर्ट करता है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, इसको अफेक्ट नहीं करता है। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स किए। उन्होंने एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस को कोट किया। दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स एक्सचेंज हुए, और उसमें बार बार जुडिशियल रिव्यू, मिनर्वा मिल केस, केशव नंदा भारती केस, इंदिरा साहनी, जयश्री पाटिल केस, इन केस को बार बार डिस्कशन किया गया और उनको डिटेल में डिस्कशन किया गया। और ये डिस्कस करने की और ये समझने की कोशिश की गई कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट कहीं कहीं बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। दोस्तों मेरी साथ ये सलाह है कि मेरे सारे वो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब जो सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम होंगे इस कैलेंडर ईयर में, इन सारे केसेस को आप अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इन केसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो इन केसेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए। और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने बोला कि अब इस केस की जो सुनवाई होगी, हेयरिंग होगी, वो ट्यूसडे को होगी, और हेयरिंग में टाइम को उन्होंने कन्फाइंड किया है, फिक्स किया है कि किस किस को कितना टाइम अलॉट होगा, इससे कि टाइम बाउंड मैनर में इस हियरिंग को कंटिन्यू किया जाए और इसको समराइज किया जाए। और इसी के साथ ये आज की हियरिंग खत्म हुई। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है डे सिक्स में। अगर मैंने सिर्फ आपको ये समरी शेयर की है, अगर आप चाहते हैं कि सारे डिस्कशन को मैं डिटेल में आपके साथ लेके आऊँ, आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन करें, मैं डिटेल वीडियो पर आपके लिए लेके आऊँगा। और उसमें जो डिस्कशंस हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन भी एम्बेडेड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियोस के लेके आऊँगा। दोस्तों अभी इस केस की हियरिंग होगी ट्यूसडे को। ट्यूसडे के इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।